यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के कई इलाकों से किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के कई इलाकों से किसानों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही 23 फरवरी को किसान आंदोलन में होने वाले थे ये किसान शामिल, जिससे पहले इन किसानों को अब हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों से किसान रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और इससे पहले अब किसानों को हिरासत में लेने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। किसानों को हिरासत में लिया जाने लगा है और साथ ही 23 फरवरी को किसान आंदोलन में ये किसान शामिल होने वाले थे, लेकिन वो इस आंदोलन में शामिल ना हो इससे पहले किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है और दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 23 फरवरी को किसानों का ये पूरा किसानों की ओर से मोर्चा खोलने का ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले विभिन्न राज्यों के किसान जो हैं वो रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और साथ ही हरियाणा में हालांकि इससे पहले कई किसानों को अब हिरासत में लिया गया है, कई किसानों को हिरासत में लेने की कार्रवाई जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी किसानों की ओर से की गई है, लेकिन उससे पहले ही 23 फरवरी को किसान दिल्ली में रामलीला मैदान पहुंचकर इसमें शामिल ना हो सके इससे पहले किसानों को हिरासत में लेने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 23 फरवरी यानी कि कल किसानों को रामलीला मैदान पहुंचकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ये पूरा कार्यक्रम था, जो किसानों की इस दौरान कई मांगे हैं जिनको लेकर किसान यहाँ पर आंदोलन की तैयारी में है और इसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के विभिन्न राज्यों से किसान एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और यहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की उनकी तैयारी है। किसानों की प्रमुख मांग है कि ऋण माफ जो है उनका वो किया जाए और इसके साथ ही और कई मांगों को लेकर किसान यहां पर अपनी आवाज उठाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही हरियाणा से किसान रामलीला मैदान में होने वाले इस किसानों के कार्यक्रम में ना पहुंचे किसानों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कई जगहों से कई इलाकों से किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि वो दिल्ली में रामलीला मैदान पहुंचकर एकजुट किसान सभी ना हो सके और इसीलिए हरियाणा के कई किसानों को कई इलाकों से किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है। 23 फरवरी को किसान आंदोलन में किसान शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अब इन किसानों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसी बीच हमारे साथ हड़ताल सिंह किसान नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हरपाल सिंह। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं किसान नेता, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हरपाल सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है, हरियाणा के कई इलाकों से किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है और साथ ही 23 फरवरी को किसान आंदोलन में ये सभी किसान शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही किसानों को हिरासत में लेने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि किसान विभिन्न राज्यों से किसान एकत्रित हो रहे हैं 23 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहां पर अपनी कई मांगे जो हैं किसानों की ओर से उठाई जाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही यहां पर हरियाणा में किसानों को। और इसी बीच हमारे साथ कृष्ण किसान नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका कृष्ण, खबरें अभी तक पर। हेलो जी कृष्ण, 23 फरवरी को देश भर के कई किसान जो हैं वो रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा के किसान। मैडम जी, कई लाख किसानों को दिल्ली में धरना देना था, कई लाख किसान ही हिरासत में ले लिए गए हैं। कितने हमारे जो, हाँ जी, कितने किसान अभी तक जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं? लाखों के हिसाब से किसान हिरासत में ले लिए हैं जी। जी हमें रस्ते में जान लगा, रस्ते में रोक लिया, आगे जाने नहीं दे रहे जी। और कहाँ कहाँ पर सभी को रोका जा रहा है, कहाँ से सभी को हिरासत में लिया जा रहा है? हाँ जी, लाखों ट्रैक्टर ट्रैलियां बाईपास पे रोक दी गई, आगे नहीं जाने दे रहे, हमें यहीं पर रोक दिया जी सभी को। जी किस जगह पे आप सभी को जी कृष्ण, इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि आप लोग जो 23 फरवरी को इकट्ठे होने वाले हैं सभी रामलीला मैदान पर, क्या कुछ मांग है आप जो उठाने वाले हैं यहाँ पर? हेलो जी कृष्ण, 23 फरवरी को जो रामलीला मैदान में आप सभी किसान नहीं हो रहा जी पूरा। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं जी,
कृष्ण, 23 फरवरी को जो आप सभी किसान रामलीला मैदान पर एकत्रित हो रहे हैं, क्या कुछ मांग आप उठाने वाले हैं इस दौरान? इसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की जी कर्जा माफ स्वामीनाथन आयोग, जिसमें सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ भी हुआ था और पर लागू नहीं किया, किसानों को गुमराह कर रहे हैं जी। हाँ जी जी, इसके अलावा हरियाणा से करीब कितने किसान जो है वो पहुंचने वाले हैं रामलीला मैदान? हाँ जी, हरियाणा से कितने किसान हैं जो शामिल होंगे रामलीला मैदान में कल? हजार लाखों हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे जी दिल्ली जी। हाँ जी, चलिए कुछ भी करना पड़े हम वहाँ जरूर आएंगे जी। जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। तो चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन रामलीला मैदान जरूर पहुंचेंगे, ये बात कही है किसान नेता कृष्ण ने। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कई ट्रैक्टर ट्रोलियां हैं जिनको बाईपास से ही हिरासत में ले लिया गया है। कई किसानों को हजारों लाखों की तादाद में किसान जो है वो हिरासत में अब लिए जा रहे हैं। और साथ ही हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े किसान जरूर रामलीला मैदान पहुंचेंगे और यहाँ पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू कराए जाने को लेकर यहाँ पर आवाज उनकी ओर से सभी किसानों की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान से उठाई जाएगी।